हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 3 रूल इन द कंट्रीसाइड। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट या द नीड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर। डियर प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था द नीड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर। जब अंग्रेजों को रेवेन्यू, जैसे कि जो पार्टीशन और जो ग्लेजर थे, उन्होंने जब अपने विलेजेस को डिजर्टेड करना स्टार्ट कर दिया, तो छोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो अंग्रेजों ने इस सवाल पे, इस क्वेश्चन पे डिबेट किया कि हमें क्या करना चाहिए, लैंड्स पे क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसी वजह से जो जमींदार थे और तालुकदार थे, उनको क्या बनाया, जमींदार बनाया। जो रूलर्स थे और तालुकदार थे, उनको क्या बनाया, जमींदार बनाया। और उन्हीं जमींदार को क्या क्या किया, वहां के रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ऐसा किया, वहां पे वहां से जो उसी जमीन से जो रेवेन्यू आमदनी आता था, उससे उसको कलेक्ट करने के लिए क्या क्या अपॉइंट कर लिया गया। इसमें क्या क्या, जो परमानेंट सेटलमेंट है, इसको किसने किया था, इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स कॉनवेल, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इसने 1793 में क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। परमानेंट सेटलमेंट मतलब एक ऐसे लैंड का फिक्स्ड अमाउंट रखा, जो मतलब जमींदार क्या करते थे, पीजेंट्स और फार्मर्स क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर 200 रुपया क्या करते थे, फिक्स कर देते थे, ठीक है, ये पूरा पीजेंट्स क्या करना है, कलेक्ट करना है। और इसमें बाहर कुछ प्रॉब्लम्स आए परमानेंट सेटलमेंट में। जो फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी थे, क्या हुआ, इसमें जो हालात थे वो तब्दील हो गए। जो प्राइसेस थे मार्केट में जो गुड्स के जो प्राइसेस थे, वो काफी ज्यादा थे, महंगे थे, क्योंकि जो कल्टीवेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, स्लोली एक्सपेंड हो गया। जो इनकम थे जमींदार के, वो बढ़ने लगे, मगर इससे कंपनी को कुछ फायदा नहीं हो गया, क्योंकि क्या थे, कंपनी ने फिक्स सेटलमेंट क्या रखा थे, फिक्स सेटलमेंट रखे, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए था कि उन्होंने जमींदार को कहा था कि हमें इतना ही पैसा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपया उनको चाहिए होगा, जिसकी फीस अगर 200 रुपया, और इसमें कोई चेंजेस नहीं, और वो सब जमींदार क्या कर सकते हैं, पीजेंट से ज्यादा ऑफर भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जमींदार पीजेंट से 1000 ऑफर करेगा, तो जैसे कि ये 800 क्या हो गया, जैसे कि इसमें से 1000 में से 800 200 कंपनी को देना होता था, और 800 इसको क्या हो गया, जमींदार को फायदा आ गया, बेनिफिट आ गया। मगर कंपनी ने एक एग्रीमेंट रखा था कि जो बेनिफिट, जो पैसा आएंगे, जैसे कि जो पीजन से, जो लैंड से रेवेन्यू आएंगे, वो किस पे, लैंड पे ही क्या करेंगे, लैंड पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मगर जो जमींदार पीजन जो जमींदार थे, मगर उन्होंने कोई जो मुनाफा कमाया, उसको लैंड को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया। The rent paid by the cultivator to the zamindar was high. और जो rent देता था जो cultivator, किसको, जमींदार को, वो बहुत ज्यादा था। और cultivator को ये जो system थे, ये जो निजाम थे, काफी oppressive है। To pay the rent, he had often take a loan from the money lender. इसीलिए ये जो rent pay करने के लिए cultivator को rent pay कर किसको pay करना होता था जमींदार को। ये जो रेंट पे करने के लिए अक्सर जो ये जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर को लोन लेना पड़ता था किससे, मनी लेंडर से। अगर वो फेल हो जाता था, अगर जमींदार ये जो रेंट देने में फेल हो जाता था, तो ये जो कल्टीवेटर है, इसको अपने ही जमीन से निकाला जाते थे। और अंग्रेजों को ये जो सिस्टम जो है, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये क्या लगा, ये फेल लगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आए, और उन्होंने एक नए सिस्टम को क्या किया, डिवाइस किया, जिसको हम महलवारी सिस्टम भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहां तक। उम्मीद करता हूं कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स होगा, कोई इंक्वायरीज होगा, तो इस टॉपिक के रिलेटेड, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। आज के लिए यहां पे मैं एंड करता हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।